जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे मेन आर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपने वो वीडियो देखनी है, बिकॉज वहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वही पॉइंट हमने इम्प्लीमेंट करने इस वीडियो में। एज आई सेड अर्लियर कि ये तमाम जो वीडियोज हैं ये एक सीरीज में बनने जा रही हैं, ये सिक्वेंस में हैं, तो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आपने सिंपली जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम मैनुअल कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं मेन आर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। जब हम स्ट्रक्चर में जाएंगे और बीबीएस क्रिएट करेंगे एक्सेल में, तो वहाँ पर करना ये है कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो ऐड करनी है एक्सेल में और फाइनल लेंथ हमारे पास आ जानी है ऑटोमेटिक थ्रू द फार्मूला। लेकिन अगर आपको बेसिक का नहीं पता होगा, बेस का नहीं पता है आपको, तो फिर वहां आपको मुश्किल होगी कि ये किस तरह से आया है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको मैनुअल कैलकुलेशंस आनी चाहिए। मैनुअल कैलकुलेशंस आएगी तो फिर आप जो ऑटो में हम एक्सेल में जाके डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके फाइनल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर ईजी होगा आपको, चूंकि आपको बेस का पता है तो ऑटोमेटिक जो भी कैलकुलेशंस हो रही होती है फार्मूले की आपको सही से समझ आ जाएगी। तो एज आई सेड अर्लियर कि आपने क्या करना है, करना ये है कि आपने पिछली वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने इस वीडियो पे आना है और इसको कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखनी है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे होंगे उनको नोट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं academies.com और वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप जाके वहाँ इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद भी डिफरेंट हमारे पास वीडियोज हैं इसी सीरीज में, तो जो ही मैं अपलोड करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो, ठीक है। और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं प्रॉपरली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके जी, मैं आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास बीबीएस बेसिक की सीरीज है और हमने इस वीडियो में करना किया है प्रोसीजर टू फाइंड आउट कट लेंथ ऑफ मेन बार। तो देखते हैं सबसे पहले कि मेन बार है क्या। द मेन बार इन रीएनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज द रीएनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन इन विच मोमेंट इज वेरी हाई आर डोमिनेंस। सो हम किस डायरेक्शन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं जहां पे मोमेंट्स बहुत हाई होती हैं, ठीक है। मेन बार्स इज नॉर्मली यूज एट द बॉटम ऑफ स्लिप्स। सबसे पहले समझ लीजिए कि यूजली आमतौर पर जो बॉटम होता है उसमें हमें मेन बार को प्रोवाइड करना होता है और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को। एंड हाई डायमेंशन बार इज यूज एज ए मेन बार। सो डाया ऑफ मेन बार एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बार ज्यादा होगा। लेट सपोज अगर आप मेन बार के लिए डाया ले रहे हैं 8 नंबर, इट कुड बी एनी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी उसका डाया कम होगा 6 mm, ठीक है, सॉरी 6 नंबर। इसके बाद मेन रीएनफोर्समेंट बार इज यूज टू ट्रांसफर द बेंडिंग मोमेंट्स टू द बीम। सो इनका क्या काम होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट्स होती हैं उनको ट्रांसफर करना होता है बीम्स पे। ये है मेन बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कम स्पेन है, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे हमने मेन बार को प्रोवाइड किया है, ठीक है, और लॉन्गर स्पेन में हमने किसको प्रोवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए मेन बार्स में डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, डिफरेंट हुक्स हो सकती हैं, डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। जिस तरह के सबसे पहले हम कट लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, कट लेंथ ऑफ मेन बार विद हुक ऑफ 180 डिग्री। सो 180 डिग्री की हुक है या बेंड है तो हम कट लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बेंड आ गया है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछली तो इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर कि हमने डिरेक्शन किस तरह से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप एक पिक्चर है जहाँ पे ये जो बार है वो क्रिएट की गई है, इट इज कॉल्ड एज मेन बार, और यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री की हुक है, फिर लेंथ है, फिर अगेन एट दिस एंड वी हैव 180 डिग्री हुक। यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखें 4 dB, 8 dB, 4 dB एट दिस एंड एंड 8 dB एट दिस एंड। सो ये क्या है, ये बेसिकली जो स्टील फिक्सर होता है
उसके लिए ये वैल्यूज होती हैं। 4 dB का मतलब ये होता है कि 4 into डायाफ बार, कुछ जगहों पे इस तरह से मेंशन होगा 4D, ठीक है, कुछ जगहों में 4 dB होगा, 4 into डायाफ बार। सो जो लेंथ है राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टिल हियर वो 4 dB होगी, 4 into जो डायाप यूज कर रहे हैं इस बार का वो ये लेंथ वो इसके इक्वल होगी, और जो लेंथ राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टिल हियर होगी वो 8 dB होगी, मीन 8 into डायाप बार, ठीक है। तो करना स्टील फिक्सर ने कुछ इस तरह से होता है कि वो कटिंग कुछ इस तरह करता है, ये हमारे पास लंबी बार है तो सबसे पहले उसने वैल्यू देनी है 4 dB की, वो यहां तक चौक के साथ या किसी भी चीज के साथ वो निशान लगाएगा, ठीक है, फिर 8 dB की वैल्यू लेगा और फिर वो टोटल यहां से लेके यहां तक वो निशान लगाएगा 8 dB का, फिर यहां से पकड़ के इसको घुमाएगा और इस तरह से ये बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसे करना होता है। अब समझ आ गई होगी कि 4 dB क्या है, 8 dB क्या है, इसको किस तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट हम डाटा देख रहे थे, लेकिन लेंथ ऑफ हुक क्या है, 8 dB प्लस 4 dB है, यानी ये 4 dB और ये 8 dB है, इट विल बिकम व्हाट, 8 + 4 12 dB, और dB क्या चीज है, डायामीटर ऑफ बार, ठीक है। अब टोटल लेंथ ऑफ मेन बार किसके इक्वल होगी, सबसे पहले तो ये लेंथ होगी जो हॉरिजेंटल लेंथ है राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टू हियर, प्लस 12 dB मीन ये एट वन एंड एंड 12 dB एट अनदर एंड, और डेफिनेटली हमें बेंड डिटेक्शन भी तो करनी है, ये बेंड भी है हमारे पास 180 का और ये बेंड भी है 180 डिग्री का। नाउ नेक्स्ट हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज ये जो बार है इसका डाया क्या है 8 mm है, ठीक है, व्हाट 8 mm, सॉरी 12 mm, नॉट 8 mm, 12 mm, और ये जो हुक है ये 12 dB है। सो अब हम ये टोटल लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 12 dB विल बी इक्वल टू 12 into डाया बार, डाया बार क्या है 12 mm है जो हम ले चुके हैं यहाँ पे, ये देखें, सो इट विल बिकम व्हाट 144 mm। सो ये जो टोटल लेंथ है राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टिल हियर इट इज व्हाट 144 mm, आर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.144 meter, ठीक है। और जो बेंड डिरेक्शन फॉर 180 डिग्री एंगल इज क्या है, बेंड डिरेक्शन की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री के लिए, पिछली वीडियो में जाएं फिर से देख लें अगर नहीं पता है तो, दैट इज व्हाट 4 dB, फॉर 180 डिग्री इट इज 4 dB, सो बेंड डिरेक्शन विल बी व्हाट 4 into डाया बार 12 mm, सो बेंड डिरेक्शन फॉर दिस एंगल फॉर 180 डिग्री इज 0.048 meter। सो सबसे पहले हमने 12 dB फाइंड आउट किया, फिर हमने बेंड डिरेक्शन फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पे लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इज इक्वल टू 5 meter है, ठीक है, राइट फ्रॉम दिस पोजिशन आप टिल हियर इट इज 5 meter, और टोटल लेंथ हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज यहाँ फार्मूलाज में पुट करनी है। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 5 meter, फिर 12 dB जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 0.144 meter, और फिर अगेन ये वन साइड प्लस सेकेंड साइड भी है तो 0.144 meter, माइनस हमने क्या करना है बेंड डिरेक्शन करनी है, सो बेंड डिरेक्शन एट वन एंड एंड बेंड डिरेक्शन एट अनदर एंड, दो एंगल है 180 डिग्री के, दिस वन एंड दिस वन एज वेल, सो दोनों को हमने डिडक्ट करना है, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 5.192 meter। सो इस तरह से हम अगर हमारे पास जो मेन बार है उसमें जो हुक्स यूज हुई है 180 डिग्री की हुक्स यूज हुई है तो इस तरह से हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ नेक्स्ट इन सम ऑफ द केसेस और मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास 90 डिग्री का बेंड होता है, ठीक है, तो इस केस में हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखें यहाँ पे दिया गया है कि ये 90 डिग्री की हुक है, बेंड आप कह सकते हैं इस एंड पे भी और इस एंड पे भी, इसके साथ ये दिया गया है कि ये जो वर्टिकल लेंथ है राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टू हियर ये 12 dB के इक्वल है, और ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये 4 dB के इक्वल है, सो टोटल विल बिकम व्हाट 12 + 4 = 16 dB, ठीक है। ये टोटल जो हॉरिजेंटल लेंथ है वो 5 meter है, और एट दिस एंड इट इज ऑल्सो सेम एज दिस वन। नाउ लेंथ ऑफ द हुक विल बी इक्वल टू 12 dB प्लस 4 dB विल बिकम व्हाट 16 dB, वेयर dB इज डायामीटर ऑफ बार, ठीक है। अब टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो लेंथ को ऐड करना है, फिर 16 dB एट वन एंड 16 dB एट अनदर एंड, और फिर हमने बेंड डिरेक्शंस करनी है दोनों एंड से 90 डिग्री के बेंड से, ठीक है। अब लेट्स सपोज डी हमारे पास क्या है 12 mm की इक्वल है, हम डाया ले लेते हैं 12 mm, सो 16 dB ये जो लेंथ है राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टू हियर विल बी इक्वल टू 16 into डाया बार 16 into 12, दैट विल बी इक्वल टू 192 mm। सो 192 को अगर आप कन्वर्ट करें मीटर में तो इट विल बिकम व्हाट 0.192 meter।
इसके बाद बेंड डिडक्शन फॉर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल के लिए जो बेंड डिडक्शन हमने ली थी, देखिए 45 के लिए 1D थी और 90 डिग्री के लिए 2D, 90 डिवाइडेड बाई 45। सो इट इज अगेन वट 2 × 12, सो इट इज टोटल ऑफ 24 एंड हमने कन्वर्ट किया इसे मीटर में, 0.024 मीटर बेंड डिडक्शन आ गया। अब जो लेंथ है हमारे पास, जो हॉरिजेंटल लेंथ है वो 5 मीटर है, तो इसको हमने जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की इसको फार्मूलाज में पुट करना है। इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर प्लस 0.192, इट इज व्हाट डीबी, 16 डीबी राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टू हियर। फिर अगेन हमने 0.192 दूसरी साइड का भी ऐड करना है और फिर बेंड डिडक्शन करनी है, जो कि बेंड 90 डिग्री का डिडक्शन हमने फाइंड आउट किए हैं, 0.024 एट वन एंड एंड 0.024 एट अनदर एंड। ठीक है, अब टोटल लेंथ आ गई हमारे पास कितनी, 5.336। और इस तरह से हम मेन बार और इट कुड भी डिस्ट्रीब्यूशन बार बहुत सेम होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कंडीशन दो है, अगर बेंड है 180 डिग्री का, अगर बेंड है 90 डिग्री का। अगर आपके केस में बेंड डिफरेंट है, हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एंगल आपने फाइंड आउट करना है, डिडक्शन को फाइंड आउट करना है। डिडक्शन में पिछले ट्यूटोरियल में बड़ी डिटेल से कवर कर चुका हूँ, सो अगर आपने नहीं देखा तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट हियर कि आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक है और सिंपली आपने वीडियो को देखना है। नाउ नेक्स्ट, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं academies.com। और इसके साथ अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट हमने बेंट अप बार को भी डिस्कस करना है इन डिटेल, मैनुअल कैलकुलेशंस, और फिर हमने एक्सेल में भी उसकी कैलकुलेशंस करनी है। बेंट अप बार इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन इन द स्ट्रक्चर, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो होगा कुछ ये कि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है आपका। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।